दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी का जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उसका 11वां लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले जो 10 लेक्चर अपलोड हो गए हैं वो जरूर देख लीजिएगा। इस हमारे चैनल पर अलग से एक इसका फोल्डर बनाया गया है, इंडियन पॉलिटी क्रैश कोर्स, उसमें पूरे लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। इसे पढ़ने से पहले आपको इससे पहले वाला लेक्चर जो 10वां लेक्चर था नागरिकता के ऊपर वो आपको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ये समझ में आएगा अच्छे से। देखिए आपको इसके पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो @श्रीएजुकेशन लिख के सर्च कर लीजिए, चैनल आ जाएगा हमारा। वहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे और उसके पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। और याद रखिए दोस्तों सुबह 5 बजे करंट अफेयर डेली अपलोड हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, उसमें आपको इसकी डिटेल बताई जाती है करंट अफेयर की, और साथ ही जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है वो समझा दिया जाता है, तो वो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर देखा कीजिए उसे, और उसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए आपने नागरिकता पढ़ा होगा, इससे पहले आपको बताया गया था नागरिकता हमारे भाग 2 में उसका वर्णन है, और उससे रिलेटेड 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल हैं, ये सब आर्टिकल आपको बताए गए थे। मगर आपको ये भी बताया गया था जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने जो मूल संविधान में जो नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से 11 तक लिखे थे वो 26 जनवरी 1950 से पहले के बारे में थे। अब 26 जनवरी 1950 के बाद लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, तो वो सब प्रावधान जो है 1955 में एक नागरिकता अधिनियम आया था, संसद ने ये पास किया, उसके बाद ये नियम आए। क्योंकि आपने आर्टिकल 11 भी पढ़ा होगा इससे पहले, उसमें बताया गया था संसद को ये पावर दिया गया था कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून आगे बना सकता है, जैसे किसी भी नागरिकता की कैसे छीनी जाए, उसकी नागरिकता को कैसे उसको दी जाए, वो सारे नियम संसद को पावर दी हुई थी वो बना सकता है। तो उसी पावर का यूज करते हुए 1955 में इन्होंने बनाया कि 1950 26 जनवरी 1950 के बाद लोगों को किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, वो सारे नियम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि जो भी ये नागरिकता अधिनियम है ये 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए है, ठीक है। अब देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था इसको जो है समय समय पर इसमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, जैसे 1986 में इसमें संशोधन किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया। अब ये भारत में अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके 5 तरीके हैं। तो भारत में नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। सबसे पहला है जन्म से। तो जन्म से कैसे नागरिकता मिल सकती है, जो 1955 में ये कानून पास हुआ था इसमें यही लिखा था कि भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति वो नागरिक हो जाएगा भारत का। अब देखिए बस यही लिखा था केवल 1955 का जो अधिनियम था कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद अगर भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। मगर बाद में 1986 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें बदलाव किया गया, तो अब से क्या हुआ, 1986 के बाद क्या हुआ, अब इसके अनुसार ये था कि अब भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्योंकि ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट था, अगर ये ना होता तो पहले 1955 में यही लिखा हुआ था कि भारत में अगर आपका जन्म हो गया तो आप भारत के नागरिक हो। मान लीजिए विदेश से दो कपल जो हैं वो घूमने के लिए आए, अब एक बच्चे का जन्म भारत में अगर होता है तो माता पिता तो विदेश के हैं, बच्चे का जन्म भारत में हुआ क्या उसको भी नागरिकता मिल जाएगी भारत की, तो ये तो बहुत गलत था। मान लीजिए कोई ताजमहल देखने आया तो कोई बच्चा पैदा हुआ तो क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा, तो इसी कारण से 1986 में संशोधन किया गया, बोला गया कि जो बच्चा जन्म लेता है भारत में वो तभी भारत का नागरिक हो पाएगा यदि उसके माता या पिता दोनों में से एक या दोनों ही भारतीय हों, उनको नागरिकता मिली हो भारत की। तो 1986 में ये कहा गया कोई एक हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर संशोधन किया गया 2003 में, जो संशोधन हुआ उसमें ये कहा गया कि भारत में जो जन्म लेता है बच्चा वो तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, ठीक है। या अगर माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरा जो है अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, बिना वीजा के ना घुस जाए, ठीक है। तो ये अब फिलहाल नियम आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो भारत का नागरिक तभी होगा या उसके मम्मी पापा दोनों ही भारत के नागरिक हो, या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना हो, मतलब बिना वीजा के ना हो वो,
तो ये है जन्म से किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, तो जन्म से है ये, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नियम है वो वंश के आधार पर। अब देखिए जब ये बना था 1955 में, तब इसमें ये लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद होता है, और उसका जन्म भारत में नहीं होता, बाहर कहीं होता है, उसका जन्म बाहर कहीं होता है, तो भारत का नागरिक बन सकता है यदि जब उसका जन्म हुआ उसके जन्म के समय उसके पिता के पास भारत की नागरिकता हो, ठीक है। किसी बच्चे का जन्म भारत में नहीं कहीं बाहर हो रहा हो, उसे भारत की नागरिकता तभी मिल सकती है यदि उसके पिता के पास भारत की नागरिकता हो। ये स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था, 1955 का जो कानून बना था तब ऐसे बना था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें लिखा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता भारत में ना, इसलिए 1992 में 1992 में फिर से संशोधन किया गया और ये कहा गया माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तब भी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ। अब 2003 में अब क्या कहा गया कि अब कोई बच्चा भारत से बाहर जन्म यदि लेता है तो, और उसके माता पिता भारत के अगर नागरिक हैं, तब भी उसे नागरिकता तभी मिलेगी यदि वो जो है जन्म के 1 वर्ष के अंदर जिस देश में रह रहा है ना उस देश में इंडियन एम्बेसी पे जाके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा ले। जो भारतीय दूतावास होगा जिस देश में वो रह रहा है वहां पे उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही वो जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिल पाएगी। तो अब लेटेस्ट सभी संशोधन के बाद अब फाइनल क्या है, वंश के आधार पर अगर किसी बच्चे का जन्म बाहर होता है, भारत में नहीं होता, और उसके मम्मी पापा के पास किसी के पास भारत की नागरिकता है, और बच्चे को भी भारत की नागरिकता अगर लेनी है तो उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसके मम्मी पापा को जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये वंश के आधार पर, और तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ये बताया गया कि मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है वो इसमें बताया गया है। इसमें बहुत सारे नियम हैं, जैसे किसी भी भारतीय नागरिक ने, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसने किसी विदेशी महिला या पुरुष से अगर शादी की है तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। मगर इसमें ये कंडीशन है कि जब भी रजिस्ट्रेशन करना है ना उससे पहले 7 वर्ष तक उसे भारत में रहना है। मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का है इंडिया का है और एक लड़की विदेश की है, दोनों ने शादी कर ली है। अब इस लड़की को भारत की नागरिकता मिल सकती है, मगर उसे जब भी वो पंजीकरण करने जाएगी उससे पहले उसे 7 वर्ष भारत में रहना होगा, तभी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। और वही उल्टा अगर लड़की इंडियन हो और लड़का विदेश का हो तब भी वही कंडीशन। और भी कई कंडीशन है पंजीकरण के मामले में, जैसे ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो और मगर वो जो है भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो तब भी वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसे नागरिकता मिल सकती है। और जो भारतीय नागरिक के जो बच्चे होते हैं, माइनर होते हैं, जो अवयस्क बच्चे होते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त वो कर सकते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। तो यही है पंजीकरण में। और चौथा तरीका है प्राकृतिक रूप से, बाय नेचुरलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें यही होगा ना कि अगर आप किसी देश में जो है लंबे समय तक निवास कर रहे हैं तो आपको उस आधार पर भी उस देश की नागरिकता मिल सकती है, वो यही है प्राकृतिक रूप से। मतलब आप समझ रहे, कोई व्यक्ति कुछ वर्ष से भारत में रह रहा है, बहुत वर्षों से भारत में रह रहा है और भारत की भाषा संस्कृति से उसको परिचय हो गया है तो उसे भारत की जो है नागरिकता मिल सकती है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, वो कुछ शर्तों पर खरा उतरना चाहिए तभी ये नागरिकता मिल सकती है। पहली कंडीशन तो यही है कि वैसे देश का नागरिक हो जहां पर जो भारत के लोग हैं उनको भी आसानी से जो है नागरिकता मिल जाए, उन पर प्रतिबंध कोई ना हो, तो सबसे पहली कंडीशन यही है। और दूसरी कंडीशन ये है अगर वो लड़का, वो पर्सन, कोई व्यक्ति है तो अगर वो हमारे देश की नागरिकता स्वीकार कर रहा है तो जिस देश का है उसकी नागरिकता उसको छोड़नी पड़ेगी तभी इसको ये नागरिकता मिल पाएगी। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा 8वीं अनुसूची हमने पढ़ाया ना आपको, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, उनमें से किसी एक भाषा का उसको जो है अच्छे से ज्ञान हो। तो ये कुछ शर्तें हैं, इन आधार पर प्राकृतिक रूप से उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिनमें ये शर्तें नहीं देखी जाती, जैसे ऐसे लोग जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमा चुके हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके हैं, विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको ये जरूरी नहीं ये शर्तें सभी लागू होंगी, उनको भी आसानी से नागरिकता मिल सकती है। मगर प्राकृतिक रूप से जिन्हें नागरिकता मिलती है ना उन्हें शपथ लेनी पड़ती है, भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। और लास्ट तरीका है जिससे आपको नागरिकता मिल जाएगी, भूमि अर्जन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे कोई भी क्षेत्र है बाहर का वो भारत के अंडर में आ गया, मान लिया ये XYZ कोई क्षेत्र है, इसको भारत ने जीत लिया, भारत का भाग हो गया है,
तो यहाँ पे रहने वाले सभी लोग अब उनको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, यदि भारत सरकार ने किसी नए भूभाग को अर्जित कर लिया है और उसका विलय कर लिया है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। आपको मालूम है जैसे पांडिचेरी, पांडिचेरी 1954 में जो है फ्रांस से लिया गया था ना, और 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, पिछले से पिछले लेक्चर में, तो वहां के जो रहने वाले लोग ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए थे, वही है। ठीक है, तो ये पांच कंडीशन थी जिस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है भारत की। तो ये नागरिक अधिनियम 1955 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीन ऐसे नियम थे जिससे आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है, तो वो जो बहुत जरूरी है। नागरिकता की समाप्ति देख लेते हैं किस तरीके से हो सकती है। तो तीन तरीके हैं, एक तो परित्याग, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा वंचित करना। तो एक एक करके समझ लेते हैं। आप ये नाम से ही पता लग रहा है, परित्याग का नाम से ही पता लग रहा है, अगर अपनी मर्जी से आप नागरिकता को त्याग कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। अगर आप स्वेच्छा से अस्वीकार करते हैं कि हमें नागरिकता नहीं चाहिए, आप कहीं और जाकर रह रहे हैं किसी और देश में, तब भी आपकी नागरिकता ये समाप्त हो जाएगी। और बर्खास्तगी, इसमें देखिए नाम से ये भी पता लग रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है वो बर्खास्त कर दी जाती है। ठीक है, अगर आप किसी अन्य देश में जाकर उस देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता बर्खास्त हो जाएंगे, आप भारत की नागरिकता से बर्खास्त हो जाएंगे। उसका वंचित कर देना, अब देखिए वंचित कर देना इसमें क्या होगा, भारत सरकार आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे भारत सरकार को अगर लगे कि आप संविधान के प्रति आप निष्ठा नहीं दिखा रहे हैं, तब भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगर आप युद्ध काल में शत्रुओं का सहायता कर रहे हैं तभी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर आपने जो नागरिकता प्राप्त की है वो गलत तरीके से प्राप्त की है नागरिकता, 400 BC करके अगर भारत की नागरिकता आपने प्राप्त की है और ये मालूम पड़ जाएगा, तब भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी नागरिक भारत के बाहर 7 वर्ष या उससे ज्यादा रह ले, तब भी उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। और इसमें एक और कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए, जो भी व्यक्ति पंजीकरण या प्राकृतिककरण जो आपको बताया गया था ना, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करता है और उसे नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर किसी देश में उसे 2 साल की सजा हो जाती है, तब भी उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाता है। समझ रहे कि नहीं? मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिली है, तो सन 2000 में आपको नागरिकता मिली है और आपने 2000 से लेकर 2005 के बीच में अगर आपको 2 साल की सजा किसी देश में हो गई ना, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसा ही अगर आपने प्राकृतिक रूप से अगर नागरिकता प्राप्त की है तब भी यही कंडीशन आपके लिए। तो ये था आपका नागरिकता अधिनियम 1955, यही बस चीजें थी और इससे बाहर कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। इसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ये चैप्टर छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, थोड़ा लंबा चलेगा ये लेक्चर। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और स्क्रीन पे जो 4 लेक्चर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।